हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ मिजोरम पुलिस के बारे में, पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस क्या है और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो हम यहाँ पर पहले सर्च करेंगे, सर्च करते ही फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं जहाँ पे लिखा है मिजोरम पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊँगी। फिर यहाँ पे इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि व्हाट इज़ द मिजोरम पुलिस, हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सिलेबस, पैटर्न, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सेलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे व्हाट इज़ मिजोरम पुलिस पूछा गया है, मिजोरम पुलिस क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया और इसमें कितने वैकेंसीज हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके हाईलाइट्स है जैसे कि रिक्रूटमेंट नेम, कंडक्टेड बाय, एग्जाम मोड, ऑफिशियल वेबसाइट, जॉब लोकेशन, टाइप ऑफ जॉब, एप्लीकेशन मोड, ये सब उसके हाईलाइट्स है। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स है, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है जैसे कि नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, इंटरव्यू, किसी भी चीज़ का डेट निकलेगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है कि कितने वैकेंसीज होते हैं, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज हैं। आप जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, अप्लाई मोड, जॉब कैटेगरी, नंबर ऑफ पोस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड जॉब लोकेशन। फिर आप इसके एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी मतलब इसको अप्लाई करने के लिए कोई कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है, जैसे कि नेशनलिटी होता है, एज लिमिट होता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ पर देयर इज़ एन एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है फीमेल का और मेल का। फिर यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है नीडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है उसमें, उन सब के बारे में दिया गया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर डिस्चार्ज है, फिर सर्टिफिकेट है फिजिकल हैंडीकैप का, फिर सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर चाहिए रहते हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस है, SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए है 100 और OBC के लिए है 300। फिर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज आपको पहले आएंगी और इसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको देखना है उसको किस तरह डाउनलोड करना है उसका, यहाँ पर प्रोसेस पूरा दिया गया है। फिर यहाँ पर थिंक टू लुक लुक फॉर ऑन द एडमिट कार्ड, उसमें क्या क्या रहती है इन्फॉर्मेशन आपके लिए उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, जैसे कि एप्लीकेंट्स नेम आर लिसन बिलो, फिर यहाँ पे पार्टिसिपेट फ़ोटो और रोल नंबर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फादर एंड मदर नेम है, टाइटल है, फिर लोकेशन है, सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, एड्रेस, फिर सिग्नेचर है, रूल्स हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, जैसे कि पेपर वन में है जनरल लॉस का है 35 मार्क्स का है, फिर पेपर टू में है डिपार्टमेंट लॉस का है 40 मार्क्स का, पेपर थ्री है जनरल इंग्लिश, फिर इंग्लिश राइटिंग है और उसमें ग्रामर है, टोटल 25 मार्क्स के हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न फॉर इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर है पेपर वन, पेपर टू, जैसे पेपर वन में है डिपार्टमेंट के लिए, सेकेंड में है मिजोरम स्टेट के लिए, थर्ड में है लॉ है, फोर्थ में है इंग्लिश। फिर यहाँ पे फिफ्थ में है जनरल लॉस है। फिर सिलेबस, कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़नी है, जैसे कि नॉन वर्बल रीजनिंग का है, क्लासिफिकेशन है, क्यूब्स है, वाटर फोटोज है, बहुत सारे हैं, फिर वर्बल रीजनिंग के लिए है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए है, ये सब टॉपिक्स हैं आपके। फिर यहाँ पे है कॉमन अवेयरनेस के लिए है, करंट अफेयर के लिए है, फिर हाउ कैन आई गेट अ कॉपी ऑफ मिजोरम पुलिस डिपार्टमेंट सिलेबस, किस तरह आपको कॉपी मिलेगी उसके लिए यहाँ पे दिया गया पूरा गाइडलाइन। फिर यहाँ पे दिया गया जनरल अवेयरनेस के लिए, फिर आंसर की, आंसर की एग्ज़ाम के पहले
एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है आंसर की, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको चेक करना रहता है। फिर यहाँ पे दिया गया है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ टाइम बाद आता है और इसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू क्या क्या देखना, कैसे देखना रहता है, किस तरह देखना रहता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया पूरा प्रोसेस। फिर कट ऑफ मार्क्स दिया गया यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपने पेपर वन पेपर टू में अच्छे नंबर से अपने पास कर लिया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है हाइट फॉर फीमेल एंड मेल के लिए है यहाँ पर। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर है, जनरल का है, एक्स सर्विस मैन का है एंड वुमेन का है। 100 मीटर रन फॉर जनरल के लिए 15 सेकेंड है और एक्स सर्विस मैन के लिए 16.50 सेकेंड्स एंड 18 वुमेंस के लिए हैं 18 सेकेंड में। फिर राइटिंग रिटर्न एग्ज़ाम, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर ये चारों चीज़ आपको कंप्लीट हो गया है तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी दिया गया, अलग अलग पोस्ट का, अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग पोस्ट के कैटेगरी के लोगों के लिए सैलरी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे है कुछ एफएक्यूज़ क्वेश्चन यहाँ पर दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।